आप देख लें, रिलैप्स होने का सबसे बड़ा रीजन जो रिलैप्स होता है ना 4-6 महीने के बाद, साल के बाद, उनमें सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम ना अपने कंफर्ट जोन को के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे हम ड्रग्स के साथ अटैच थे ना, ऐसे ही हमने कंफर्ट जोन के साथ। अच्छा, इसीलिए व्हाट वी हैव टू इज कि अगर आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, रूटीन तो है ना, एक रूटीन का पार्ट होना चाहिए कि सुबह आपने मीटिंग की, एक रूटीन का पार्ट होना चाहिए शाम को, एक रूटीन का पार्ट होना चाहिए आपने किसी के साथ शेयरिंग की, एक रूटीन का पार्ट होना चाहिए आपने इन्वेंटरी लिखी। अच्छा, आप कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर इसका क्या मतलब है? अच्छा, फिर आपने दूसरे इंसान को बोल दिया मुझे काम तो है ना, फिर काम तो तुम करने नहीं देते, तो फिर मैं क्या करूंगा भाई? और क्या नहीं है करने को आपको? आपके पास तो सब कुछ है और करने को। काम इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मतलब काम इज वन पार्ट ऑफ द लाइफ, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ। चलो ठीक है, प्रोडक्टिव है, मैं मतलब आई एग्री विद यू कि इंसान के पास काम होना चाहिए, लेकिन काम के लिए आप बंदे रख सकते हो, आप घर के रिलेशनशिप के लिए बंदे कहां से लाओगे? जो एडिक्शन की सबसे बड़ी मार है ना, वो पड़ती है रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली मेंबर्स। आप इसके लिए जाके मजदूर लेके आए बाहर से, एक मैनेजर हायर करें कि मेरे घर के रिलेशनशिप मेरी मदर के साथ खराब है, मेरी रिलेशनशिप मेरी वाइफ के साथ खराब है, और आप यहाँ पे आ जाएं और हमने जनरल मैनेजर रख लिया जी, मेरे रिलेशनशिप ठीक करें मेरे फादर के साथ, कहां से लाएंगे? ये एक चीज है जिसके लिए पैसा नहीं काम आएगा, आपको जनरल मैनेजर भी नहीं काम आएंगे, आप जो मर्जी दुनिया हार्वर्ड की स्टडी भी नहीं काम आएगी, यहां पे नहीं काम आएगी। क्यों? क्योंकि देखो ना, एक बड़ी नाइस सी टर्म लोगों ने बनाई हुई है, फंक्शनल एडिक्ट। अच्छा, फंक्शनल एडिक्ट क्या होता है कि जो अपनी एडिक्शन को चलाने के लिए अपनी लाइफ को फंक्शनल रख रहा है, उसका मेन एम है फंक्शनल रखना अपनी लाइफ को, जस्ट टू शो अप दैट ही कैन हैंडल हिज एडिक्शन एंड ही हैज नॉट बीन एबल टू डू इट। एंड वो सुबह से लेकर शाम तक काम सिर्फ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि शाम को उसका मुद्दा कुछ और होता है, उसका गेन कुछ और होता है।